किसी ने क्या खूब कहा है, पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 21 मई दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन से बड़े बड़े खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का परिवार जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे लेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज शुक्रवार है, संतोषी माता का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा संतोषी माता आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि जीवन में बहुत काम आएगी 6 बातें, टल जाएगा बुरा समय। जी हाँ दोस्तों, आज चाणक्य कुशल राजनीतिक चतुर कूटनीतिक प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात हुए। उनकी कुशारक बुद्धि से सभी लोग प्रभावित थे, यही वजह है कि वह कोटिल कही जाने लगे। उन्होंने नीति शास्त्र के माध्यम से अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर जहाँ जीवन की परिस्थितियों का सामना करते हुए सुख दुख में विचलित न होने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। नंबर एक, ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान भी है व्यर्थ। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित रह गया है और उसने व्यवहार में उसे नहीं उतारा है और उसने जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वह व्यक्ति आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नंबर दो, जीवन में सम्मान बहुत जरूरी। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि जीवन में सम्मान का होना बहुत जरूरी है। अपमानित होकर जीने से मर जाना अच्छा है। मरने में एक क्षण का दुख तो होता है पर अपमानित होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है, इसलिए अपने सम्मान का ख्याल रखें। नंबर तीन, मधुर वचन फल समान। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि इस दुनिया के वृक्ष पर दो मीठे फल लगे हुए हैं, इसमें एक फल है मधुर वचन का और दूसरा है सत्संग का। व्यक्ति को इनके माध्यम से अपने जीवन में मिठास भरनी चाहिए। नंबर चार, सिर्फ भाग्य के सहारे ना रहें। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति से चतुराई से निपटता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वह बर्बाद होता है। नंबर पाँच, दुष्ट दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि दुष्ट लोग दूसरों की कीर्ति को देखकर जलते हैं, वे दूसरे के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं होती। नंबर छह, मोह रखने वाला पाता है दुख। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से आसक्ति रखता है वे भय और दुख को पाता है। आसक्ति दुख का मूल है, जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आगे पंचांग के बारे में। आय का पंचांग है 21 मई 2021 दिन शुक्रवार, आय की तिथि है नवमी तिथि। आय का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, ऋतु चल रहा है ग्रीष्म ऋतु। आज सूर्योदय होगा 5:27 पर, सूर्यास्त होगा 7:08 पर। दोस्तों आय का शुभ समय है 11:50 से 12:45 तक रहेगा और आय का अशुभ समय है 8:11 से 1:49 तक रहेगा। दोस्तों आय कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 8। अब बात करते हैं दोस्तों आय कन्या राशि वाले के बारे में, कैसा रहेगा आपका आय का दिन, आई जानते हैं। कन्या राशि वाले, आज आपको रचनात्मक काम आपको सुकून देगा। अगर आप लोन लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे थे तो आज के दिन आपको लोन मिल सकती है। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा वर्ग लोग जुड़े हों। आज आप अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएं लेकिन किसी जरूरी काम के आने की वजह से ये प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कास नहीं हो सकती है। आपको कुछ सबसे बढ़िया अवसर नए लोगों के माध्यम से मिलेंगे। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन के उजले पहलू का अनुभव करने के लिए अच्छा दिन है। फिलहाल की परिस्थिति में आपके हाथ कुछ हद तक बंधे रहेंगे, जिसके कारण किसी भी प्रकार का निर्णय लेना या काम को आगे बढ़ाना आपके लिए कठिन होगा। खुद होकर परिवार संबंधी अधिक जिम्मेदारी को बोझ ना लें। प्रॉपर्टी संबंधी की बात विवाद या चर्चा से आज आपको दूर होना पड़ सकता है। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से व्यवसाय गतिविधियां मंद रहेंगे। नजदीकी दोस्तों के साथ पार्टनरशिप संबंधी योजना बन सकती है जो की फायदेमंद साबित होगी। ऑफिस में अभी कारोबार की अधिकता बनी रहेगी। व्यस्तता के बावजूद जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ बेहतरीन समय व्यतीत होगा। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। आपको कन्या राशि में धन लाभ का बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। आपकी मानसिक ऊर्जा चरम पर रहेगी। दोस्तों के साथ कुछ यादगार यात्राएं आपके मूड को तरोताजा कर सकती हैं। आप काफी ऊर्जावान और सक्रिय रहेंगे व आपकी मानसिक प्रसन्नता भी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए समय ठीक ठाक रहने वाला है। आप दोनों के स्वभाव में आपसी सहयोग व समझ की भावना पैदा होगी। कन्या राशि में स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। घुटनों और जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है। सुबह व्यायाम करें। नौकरी में आपको जबरदस्त उन्नति मिलने के संकेत हैं। शत्रुओं व विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। पैसा कमाने के लिए आप अपनी क्षमता से बाहर जाकर कोशिश करेंगे और सफल भी हो जाएंगे।
आय आपके सेहत में सुधार होगा। अधिकतम काम अपने घर पर ही रहकर पूरा करने का प्रयास करें। कारोबार करने वालों के लिए समय ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन निराश ना हो। अधिकारी कार्य को देखकर प्रसन्नता करेंगे। ससुराल से खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ घूमने जाना आपके लिए सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आज आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। इस राशि के इंजीनियर अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में कर सकते हैं। किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद साबित हो सकता है। अधिकारियों से खास मामलों में बातचीत होगी। सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लें। काम में सफलता अवश्य मिलेगी। आज आप खुशहाल और परिपूर्ण वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे। आपको किसी के साथ आध्यात्मिक संबंध का अनुभव हो सकता है। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। आप अपने आसपास के लोगों पर एक प्रबल प्रभाव बनाने में सक्षम हो जाएंगे। आप समाज में अपनी विशेष प्रतिष्ठा और हैसियत हासिल करेंगे। आजीविका और पैसे की दृष्टि से आज का दिन लाजवाब दिन है। आप अपने प्रयोजनीय प्रयासों और कड़ी मेहनत के अद्भुत लाभ और सफलता का आनंद उठा पाएंगे। आपके प्रयासों को अंत में पर्याप्त रूप से वित्तीय लाभ का पुरस्कार मिल सकता है। आपके सभी प्रयास फलदायक सिद्ध रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ऊर्जा और प्रतिरोध क्षमता का स्तर ऊंचा रहेगा। आप अपने को पुष्ट और किसी भी प्रकार की वेदना से मुक्त महसूस करेंगे। आया खुशी और संतोष का अनुभव करेंगे। प्रणय और संतुष्टि की भावना आपके परम आनंद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आ यात्रा के लिए बहुत अच्छा दिन है। किसी आध्यात्मिक स्थान का भ्रमण आपके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित होगा। आज आपके लिए एक बहुत ही शुभ दिन है। आप अपनी इच्छा को पूरा कर पाएंगे। परिवार जनों के साथ आध्यात्मिक गतिविधियों में उचित समय व्यतीत होगा। घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। युवाओं को करियर से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपकी किसी असावधानी की वजह से महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह सकता है। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें। ध्यान रखें किसी की गलत सलाह की वजह से आपको कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। कन्या राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन को समस्याएं इस दिन आ सकती हैं। आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के अष्टम भाव में विराजमान होने से और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में होने से परिवार में किसी न किसी की वजह से विवाद की स्थिति बन सकती है। ये विवाद संपत्ति या धन संबंधित हो सकता है। घर के लोग इन बातों को लेकर आपस में झगड़ सकते हैं, इसलिए आपको समझदारी के साथ हर मामले को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, इसलिए आपसे संबंधों में तलखी आ सकती है। यदि आप स्थिति को पहले से ही समझ चुके हैं तो समय रहते कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लें। घर के वरिष्ठजनों से बात करके मामलों को शांत करने की कोशिश करें। पारिवारिक स्थिति अनुकूल हो सकती है। जितनी आपकी बातों में स्पष्टता रहेगी उतनी ही विवाद होने की संभावना कम होगी। हालांकि इस राशि के जातकों को अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग इस दिन प्राप्त हो सकता है। उनके सहयोग से कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप बात कर सकते हैं और पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। माता पिता के साथ अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपका कोई निर्णय गलत होने के कारण कुछ चिंता और नुकसान का सामना आ सकता है, लेकिन परिस्थिति का ठीक से अवलोकन करके इसे तुरंत दूर कर पाना आपके लिए आसान होगा। गलत लोगों की संगत का असर आपके जीवन पर दिख सकता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। प्रॉपर्टी खरीद प्रोक्त संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य बनने की संभावना, इसलिए प्रयासरत रहें। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों में रुचि न लें। कोई इंक्वायरी आदि हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम प्रसंगों को विवाह में परिणत करने के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिलेगी। तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आज शुक्रवार है, संतोषी माता का दिन है। दोस्तों घर में अगर आप सच्चे मन से संतोषी माता की पूजा आराधना करते हैं तो संतोषी माता आपकी जरूर सुनेंगी और आपके सभी कष्ट दूर करेंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज कन्या राशि फल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यह आयकर राशि फल अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।